Hi, welcome to our new vlog. Today we are here in Holiday Inn, Sector 3, Panchkula, जो इक्की एक 5-star hotel है और यहाँ पर लगा है एक food fest. और हम जैसे South Indian lovers के लिए एक बहुत ही perfect destination. और देखते हैं क्या क्या है. आप देख सकते हैं वो देखो attire. तो देखते हैं कि क्या है इसके अंदर और कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस. क्या वो ऐसा साउथ इंडियन फूड है जो हमने नहीं खाया? आपको व्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा उसके लिए. फॉरवर्ड करके मत देखना. अब थोड़ा सा फूड भी चखा दे ट्रैवल के साथ साथ. आ जाओ. ये देखो पीछे साउथ इंडियन अटायर पे घूम रहे हैं. और ये केले देखो बिल्कुल ओरिजिनल, ये असली केले हैं. तो आप कहाँ से हैं? बेसिकली मैं बिहार से हूँ. ओके. मैंने 7 साल दिल्ली में निकाला, फिर 7 साल पुणे में किया हुआ है, क्राउन प्लाजा में और सैराटन में, लॉमरेडम में. ओके. यहाँ पे भी मैं 2 साल से हूँ और मेरा एक्सपीरियंस लखनऊ में भी 3 साल का है. हर गुड एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिस टू दिल्ली. एंड जस्ट वी स्टार्टेड आवर साउथ इंडियन फूड फेस्टिवल बिकॉज इन सो मेनी प्लेसेस दे आर नॉट गेटिंग गुड साउथ इंडियन फूड. सो वी जस्ट कॉल आवर सम साउथ इंडियन शेफ. एंड तो आप खुद ही सारा मैनेज कर रहे हैं कि आप लीडर हैं कि नहीं? सारा मेरे अंडर सुपरविजन पे सारा कुछ हो रहा है. ओके. तो आपको एक्सपीरियंस है साउथ का? बाकी मुझे इस फील्ड में लगभग 17-18 साल से ऊपर से है. तो ऑल कुछ आई हैव गुड नॉलेज. ओके. तो यहाँ पर क्या यूनिक है, कुछ ऐसा जो अट्रैक्ट कर रहा है? जैसे आप दोना बिरयानी है, ये काफ़ी अच्छा है जो आपको साउथ साइड में मिलेगा. हाँ, हमने कभी ट्राई नहीं करी. हमें यहाँ पर सिर्फ डोसे और सुना भी नहीं खाई. थोड़ा डिफरेंट है डोसे उत्तम, वो सब तो बेसिक इडली यही पता होता है. काफ़ी हार्ड पूरा में जाएंगे तो प्लीज़ आप देखें, व्यूअर्स को भी दिखाएँ. साउथ इंडियन जी 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 जो कुछ नहीं आ रहा है बिल्कुल. और आपको यहाँ तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको चंडीगढ़ पंचकुला में तो नहीं मिलेगा. क्योंकि मैं खुद मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है और हेल्दी भी बहुत होता है. बहुत मज़ा भी आएगा एक बार आप ट्राई करेंगे तो. हेल्दी है, हमने वेज का भी ऑप्शन ज़्यादा रखा है क्योंकि इस रीजन में लोग वेजिटेरियन लोग ज़्यादा रहते हैं. हमने वेज का भी ऑप्शन ज़्यादा रखा है, स्टार्टर से लेकर डेजर्ट तक. आपको डेजर्ट में से आपको केले का हलवा है. अच्छा, केले का हलवा बहुत यूनिक है. बहुत ही रेयरली मिलेगा आपको यहाँ पे. फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं जी. और इनके अटायर, ये आपका आइडिया है कि जो इनकी सबकी साउथ इंडियन अटायर है? जी जी, एक्चुअली थोड़ा सा फील देने के लिए कि आप साउथ इंडियन रीजन में खाना खा रहे हैं तो. अच्छा, प्लेट्स भी क्या वो वैसी वाली है? हमने प्लेट्स रेगुलर रखा है ताकि खाने में कोई दिक्कत ना हो. स्टार्टिंग में देखा कि बड़ा वैसा अच्छा बना रखे हैं. कोई ऐसी डिशेस जो यहाँ पे मतलब मस्ट ट्राई है हमारे व्यूअर्स के लिए? जैसे हमारा दोना बिरयानी है, प्लीज़ ट्राई करें. और हमारा मेन्यू हर दिन चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं. अच्छा, जो है कल मिलेगा, हर दिन अलग अलग है. मतलब कि रोज़ मेन्यू चेंज होगा तो आप सबको रोज़ आना है? बिल्कुल, हर दिन आए, डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करें. और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे अपम है, स्ट्यू है, सब तो रहेगा ही, फिर भी आपको टेस्ट में हर दिन अलग अलग डाल रहे हैं प्रिपरेशन ताकि लोग कुछ डिफरेंट ट्राई करें. क्योंकि साउथ इंडियन कुजीन अपने आप में बहुत बड़ा ह्यूज कुजीन है और साउथ इंडियंस को तो पक्का सही आता है. और प्लीज़ रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे साउथ इंडियंस हैं, प्लीज़ आइए खाना ट्राई कीजिए. लाइक चिकन रसम फेमस, वेरी फेमस. टोमेटो पत्तू हैवी है, बहुत हैवी है. यस सर. ओके. ये
घी भात है, घी भात ये राइस की तरह नहीं है, घी भात एक्चुअली राइस में प्लेन घी डाला हुआ है। अच्छा। और ये काफ़ी अच्छा लगता है, नॉर्मली अगर फ्राई करते हैं उसके साथ तो कैबेज को रहना है, ये वेजिटेरियन जिससे कैबेज से बनता है कोकोनट का, इसमें घी होता है अजेल में, ये काफ़ी साउथ टाइप ऑफ काइंड ऑफ मिक्स वेज। सो ये कड़ी जैसी लग रही है, कड़ी एंड भिंडी मिक्स। देखिए गिज्जू है, ये भिंडी का प्रिपरेशन है, अगेन ये कोकोनट और कर्ड बेस है, ये लेमन राइस से काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। चिकन चेतना तो एवरीबॉडी नोज, इट्स स्मेलिंग आल्सो वेरी नाइस। इसमें क्या स्पेशल होता है जो हमारे यहाँ चिकन बनता है और इनका चिकन में क्या डिफरेंस है? टोटली जो मसालों का ब्लेंडनेस है उस पे है। अब इसमें जो हमने मसाला यूज किया है वो बहुत सारे गर्म मसाले को हमने टॉस किया है और फिर उसको ब्रश से साफ फिर उसको ग्राइंड करा है और फिर उसको इसमें डाला है, वही जो आपको अरोमा मिल रहा होगा उस मसाले का, हम फील आ रहा होगा। हाँ फील तो आ रहा है। नीन मोइली अभी फिश प्रिपरेशन, अच्छा वहाँ पर डिशेज बहुत है। हाँ तो इसको इसको आप राइस के साथ खा सकते हैं, हमारे यहाँ पापड़ के साथ खा सकते हैं, दोना बिरयानी इसका जो बेसिक सीजनिंग है वो साउथ इंडियन मसाला मिक्स है मस्टर्ड है, तो काफ़ी डिफरेंट है रेगुलर बिरयानी से। ओके हर मैं 2 फुट दूर हूँ और मेरे को यहाँ पे भी स्मेल आ रही है, सो टेम्पटिंग। ये वेजिटेबल दोना बिरयानी की हमने रखा है, जो वेजिटेरियन वही सेम फील इंजॉय करें, इसलिए हमने वेज दोना बिरयानी डाला है। हैदराबादी पनीर, ये थोड़ा माइल्ड टेस्ट है इसमें, ऐसे हर खाने का मेन लिया है उसके साथ। आपने भिंडी का सब्जी आपको दिखाया है उसके साथ अच्छा लगेगा, मैंने आपको बोला था केले का हलवा ये है, डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप जरूर ट्राई करें और बताएं कैसा है। अच्छा ये हलवा है, चॉकलेट बर्फी लग रही है, वैसी फील आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं ये कोकोनट पुडिंग है और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और शुगर फ्री कस्टर्ड भी है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी रेगुलर खाना नहीं होता, हमारे जैसे उनके लिए भी रखा हुआ था कि उन्हें सपोज साउथ इंडियन खाना नहीं पसंद है, दे कैन हैव इट नॉर्थ इंडियन फूड एज वेल। लाइक इफ इट इज अ फैमिली और कुछ एक दो जने अलग डिफरेंट टेस्ट के हैं तो यू हैव एवरीथिंग। अच्छा ये भी साउथ इंडियन सैलेड, अच्छा ये टाइटली सलाद है, कैरेट रेजन सैलेड, वाओ कैरेट, अच्छा हेल्दी हेल्दी नाइस, काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिली है इसमें। सांभर हो गया, सांभर है, वड़े हैं, स्ट्यू है, इडली है, पाल पायसम, चॉकलेट पुडिंग, मतलब हर चीज़ है, कोई कमी नहीं छोड़ी। बेसिकली हमारा मोटिव है कि जो आए गेस्ट यहाँ पे आए हैं अच्छे के लिए, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता हम कलर से हम टेस्ट करेंगे, हम सारा कुछ इनको रिक्वेस्ट करूँगा आप हर चीज़ टेस्ट करें, स्पेशली आप दोना टेस्ट करें और केले का हलवा जरूर टेस्ट करें, वो तो जरूर करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये ट्राई करते हैं क्या चीज़ है, तो ये हमारी वेलकम ड्रिंक है, ये शरबत है, कीवी का शरबत, देखो ये कीवी है ना, कीवी है, हाँ कीवी का शरबत है, मैं तो इसको चिया सीड समझ रही हूँ, कीवी शरबत। क्या लेके आए हो? कोकोनट बर्फी, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कोकोनट बर्फी, ये है केले वाली बर्फी, नाइस, तेज तेज खाई जा रहा है, फेवरेट है, मज़ा आ गया। और कितना खाओगे? बहुत ज़्यादा। वाटर बॉटल्स भी है यहाँ पर। मैंने 3 तरह के राइस मिक्स करे हैं, ये चिकन वाली बिरयानी है, ये लेमन राइस है, ये वेजिटेबल वाली बिरयानी, बस मिक्स हो गया सब। और इनकी प्लेट देखो, और मैं सारी सैलेड टेस्ट कर रही हूँ, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात केले का हलवा। इडली की फिर से सैलेड ले आई क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी,
ये डिश कुछ न्यू थी, कैबेज तोरन, ये देखते हैं जरा। कुछ अलग है, मतलब अच्छी है, कुछ अलग है। मतलब हमारा नॉर्थ इंडियन विलेज लेमन राइस तो ऑल टाइम फेवरेट है। स्टार्टर्स में आज क्या है, मैसूर दाल। अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ डोसा विद वड़ा। वड़े का भी टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी साउथ फील हो रहा है, काफ़ी साउथ फील हो रहा है। वड़ा तो मैं अभी खा चुकी हूँ, मैं डोसा कह रही हूँ, डोसा खा के बताओ। ये रहा डोसा, डोसा भी खिला। खाओ, दिस इज डोसा। डोसे का टेस्ट इज लाइक डोसा, डोसा इज डोसा। ये एलनीर पुडिंग है, ट्राई करता हूँ कैसी है। अच्छी है, अच्छी है, वेरी गुड। ये पिए जाए कि ये पिए जाए। आइसक्रीम भी है, वेट पार्ट को नहीं आते निकालने। कभी आपने सोचा था कि आपको ये ड्रेस पहनने का मौका मिलेगा? सर ऐसे मेरे कॉलेज फंक्शन में। अच्छा अच्छा, कंफर्टेबल फील कर रहे हो? You know, we all are in Punjab. Okay. So most of the people are, you know, searching different types of food every day. In Punjab, में जहाँ भी आओगे पंजाबी food मिलता है. So we are, our chef है हमारे दो तीन यहाँ पे जो north south से हैं, केरला से हैं, आधे आप हमारे बैंगलोर से हैं. Then हमारे जो banquet manager हैं, रवि जी restaurant manager जिन्होंने काम किया हुआ है, they also work in Amritsar as well. So वो उनका थोड़ा initiative था कि हम कुछ south की cuisine लेके आते हैं, जिससे थोड़ा गेस्ट, ताकि खाने में थोड़ी सी वैरायटी दिखे। सो उनका थोड़ा आइडिया था, और थोड़ा हमारे जो शेफ्स थे उनका आइडिया था, क्योंकि दे आर आल्सो वेरी, यू नो, एक्साइटेड टू डू सम साउथ इंडियन डिशेज एंड साउथ इंडियन फूड। सो दैट्स द मेन रीजन टू बिहाइंड ऑल दैट वी डू द साउथ इंडियन फूड। तो पहले भी ऐसा कोई प्लान कर रहा है कोई फेस्टिवल? पहले हम जैसे फूड फेस्टिवल करते थे, नॉट नॉर्मल फूड फेस्टिवल, लाइक दिल्ली और हो गया हमारा, जैसे पंजाबी हो गया। ओके, तो इसमें करते थे। तो साउथ का जो मतलब फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग द साउथ फूड फेस्टिवल। और And आगे और भी प्लान्स हैं? Yeah, yeah, definitely we'll do. Might be on the next month we'll do the Rajasthani. I think the month of June we'll do the Bollywood nights. So these all different activities. जैसे चौकीदानी है राजस्थानी? Yes, yes. वैसा special? तो क्योंकि हमारे पास जो भी chef है all over से, कुछ कोई ना कई different states से हैं। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे south में करते तो हमारे south से chef हैं। Then कुछ हमारे उत्तराखंडी या गढ़वाली पहाड़ी cuisine चलाई गई थोड़े time में। तो वैसे वैसे जो जो है अपने अपना जो बेस्ट है शेफिस वो अपना में दे रहे हैं लोगों को, हर बार कुछ नया। हाँ, क्योंकि आप भी एक चीज़ खाएंगे तो खाने से होता ही जाता है, तो सभी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स चाहिए होते हैं। सो वी आर ट्राइंग दैट। जो भी था बस यही था, आपने देख लिया हमने क्या क्या खाया, कोशिश करी जितना हम ट्राई आउट कर सके। अगर खाने की, सिर्फ खाने की बात करें, पहले तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, मतलब यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छा होटल है, और इसका खाना, अगर हम खाने की बात करें तो साउथ इंडियन फूड मैंने बहुत जगह खाया है, बट मेरे को प्रॉब्लम होती है ऑयली होता है, या फिर मैं, जैसे मेरे को सैलड्स पसंद है, सैलड्स नहीं मिलते हैं, तो इन्होंने सब ऑप्शंस रखे हैं। आपको नूडल्स भी मिल रहे हैं, अगर आप बिल्कुल सिर्फ साउथ इंडियन नहीं, थोड़ा सा कुछ और भी खाना चाहते हो वो भी है। डेजर्ट्स बहुत तरह के हैं, इतना कुछ है यार। केले की बर्फी मस्ट ट्राई है, मैंने कभी नहीं खाई, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। मैंने दो खाई हैं जबकि मैं मीठा नहीं खाती। और जो साउथ इंडियन फूड है वो बिल्कुल ऑयली नहीं है, और जैसा फाइव स्टार का खाना होता है एक्चुअली, और बिल्कुल वैसा खाना था, बहुत ही अच्छा। और हम तो कहेंगे कि आप लोगों को विज़िट करना चाहिए, कोशिश करिए कि केले की बर्फी ज़रूर ट्राई करनी है। और दो तीन डिशेज और हैं, इनके लेमन राइस बहुत अच्छे हैं, और इनके जो सैलड्स हैं, जो साउथ इंडियन सैलड्स हैं, जो कभी सुने भी नहीं होंगे, वो भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही हमारे साथ हमेशा बने रही है न्यू
जगह में हम जाएंगे, आपको एंटरटेन करेंगे, कभी खाने के साथ कभी घुमाने के साथ। एवरी मंडे एंड थर्सडे कीप वॉचिंग आरती एंड पार्थ व्लॉग्स, 8:15 PM, स्टे कनेक्टेड। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या है, मेरे पीछे आरती है।